अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के बयान के बारे में, तो दोस्तों बने रहिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहती है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच कल खेला गया था और उस मैच में भारत को 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 50 ओवर में 251 रन बनाए और उसमें रोहित शर्मा ने 133 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 133 रन बनाए। शुरुआती झटकों के बावजूद भी रोहित शर्मा और धोनी ने मिलकर टीम इंडिया को मैच में बनाए रखा, लेकिन उनकी यह मेहनत हमारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। और दोस्तों धोनी और रोहित शर्मा ने मिलकर 137 रन की साझेदारी करी थी और इसी साझेदारी के बदौलत भारतीय टीम को लग रहा था कि वो टीम को जीत जाएगी, लेकिन मैच में एक टर्निंग पॉइंट वहां पर आया जहां पर धोनी को गलत फैसले का शिकार होने के कारण पवेलियन की तरफ लौटना पड़ा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने मैच खत्म होने के बाद मीडिया से बोला कि मैच का टर्निंग पॉइंट और हार का कारण महेंद्र सिंह धोनी का विकेट था। उन्होंने कहा कि मैच में जीतने के लिए छोटी छोटी साझेदारियां जरूरी हैं, लेकिन एक छोर से साथी बल्लेबाज का साथ न मिलना टीम के लिए सही नहीं रहा, जिसके चलते लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और रन रेट बढ़ता रहा। तो दोस्तों रोहित शर्मा के तो बयान से साफ साफ साबित होता है कि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के विकेट को मैच का टर्निंग पॉइंट बताया और उन्होंने साफ सीधा निशाना कहीं ना कहीं एम्पायर पे भी डाला, क्योंकि एम्पायर ने वो डिसीजन बिल्कुल ही गलत दिया था। दोस्तों आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा रोहित शर्मा ने जो बात बोली आप भी उस बात से एग्री करते हैं या फिर नहीं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।